स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तन न्यूज में। अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष राहुल गौड़ के नेतृत्व में पीडीए एवं आदिवासी धुरिया गौड़ महापंचायत एवं विशाल कबड्डी का आयोजन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिग्री कॉलेज कुचरी हैसर बाजार संत कबीर नगर में आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री प्रयास गौड़ जी तथा लोकसभा संत कबीर नगर भावी सांसद प्रत्याशी के डी यादव मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहे जिला उपाध्यक्ष के डी यादव। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में गौड़ महासभा की और पीडीए के तहत आज एक कार्यक्रम भाई हमारे जनपद के समाजवादी पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नौजवान नेता भाई राहुल गौड़ जी, इस संचालन कर रहे भाई हरिश्चंद्र यादव जी और यहाँ पे उपस्थित आए हुए हम लोगों के साथी गार्जियन भाई राम मोहन यादव जी, भाई रामानंद गौड़ जी जो हमारे पुराने साथी हैं, आज उनका भाषण सुन करके हमें लगा कि ऐसे लोग अगर कहीं भी पहुंचेंगे तो माहौल को बहुत ही अच्छा और अच्छी जानकारी देकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मनोज गौड़ जी भी हैं और भाई राष्ट्रीय सचिव हैं, हम लोगों की नेता भी हैं। आप लोगों ने भी देखा है इस नगर पंचायत में चुनाव लड़ी, मामूली वोट से चुनाव हारने के बाद इसके बाद भी हौसला नहीं कम किया भाई। हमने बहुत सम्मान भी करते हैं मनीषा पासवान जी, लखनऊ से चल करके बिचारी इस कार्यक्रम में आई हैं, क्योंकि समझी कि हमारे इलाके में आज कार्यक्रम है। जहां से मैं नगर पंचायत चुनाव लड़ी हूँ, उस चुनाव में लोगों का बड़ा प्यार और मोहब्बत मिला है। ऐसे अवसर पे हम जरूर पहुंचने का काम करूंगी। वो आई, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद। और अभी जो गीत के माध्यम से डॉक्टर सरोज त्यागी जी, एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, अपने गीत के माध्यम से पूरे भारत में एक बहुत पहचान बनाने का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। आज वो समाजवादी पार्टी में सच्चाई है कि इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचार को देख करके, उनके संघर्ष को देख करके समाजवादी पार्टी में काफी दिन पहले शामिल हुई और जहां भी जाती है पार्टी को मजबूत करने का भी काम करती है। मैं उनको इस जनपद में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जहां भी रहेंगी, जहां भी जरूरत हम लोगों को भी पड़ेगा, आपको बुला करके यहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सरोज त्यागी जी, भाई बबलू भंडारी जी, ओमकार जी, भाई राजेश यादव जी, सर्वदा जी और हमारे जनपद की संगीत प्रकोष्ठ की बहुत जुझारू महिला है और पूरे जनपद में पीडीए के माध्यम से हर जगह जा जा करके लोगों को बढ़ाने का काम, जागरूक करने का काम अपने गीत के माध्यम से किया है। भाई गुंजन यादव जी आज इस मंच पे बैठी हैं और हमारे सामने इस विद्यालय के प्रबंधक भाई घनश्याम गौड़ जो हमारे पुराने संबंध है इनके पिताजी से, जो ओम प्रकाश गौड़ जी हैं, हमारे संघर्षों में हमेशा साथ देने का काम करते हैं। इनका फोन गया कि बाबू आपको आना होगा। अरे हम कहे आपके वहां कथा वार्ता कहीं भी जरूरत पड़ती है तो केडी यादव कभी पीछे नहीं रहता, तो आज आपके वहां कार्यक्रम अगर हो रहा है तो मैं कहां पीछे रहूंगा। भाई हम लोगों के साथी हैं भाई मुन्नीलाल कन्नौजिया जी, भाई लाठी लेकर के हमेशा पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं भाई यादव जी को मैं बहुत बहुत भाई अपने दूसरे रामशरण जी जो बैठे हैं सबको मैं जानता पहचानता हूँ। हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हैं भाई, मैं सबको जानता हूँ। साथियों, अभी हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात को रखा है, आज 2024 आने वाला है। आपको मैं पुराने इतिहास में जाना चाहता हूं, क्योंकि जब 2012 में
माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय उन्होंने हर गरीब, हर पिछड़े, हर दलित, हर समाज के लोगों को उन्होंने काम करके दिखाने का भी काम किया। इतिहास गवाह है, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, ऐसे समय पे जब उन्होंने गरीबों को शिक्षा देने का काम किया, जब उन्होंने दलितों को भी अधिकार देने का काम किया, जब उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल बना करके लोगों को एक सहयोग देने का काम किया था, वो भी समय हमें याद है। जब वहां पर हमारी बेटियां शिक्षा के सवाल पे अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, और गरीब के बच्चे, उस समय भी हमें याद है जब उनके पास लैपटॉप नहीं होता था, जब अपने बाप से मांगते थे, जब किसी गरीब अमीर के बेटे 40,000 का लैपटॉप देख करके जब चलते थे और उससे काम करते थे, तो गरीब का बच्चा देख करके मायूस हो जाता था और अपने बाप से जाकर के कहता, पिताजी हमें भी लैपटॉप दे दो। लेकिन बाप लाचार रहता था, कहा बेटा मेरी ये औकात नहीं है कि 40,000 का लैपटॉप आपको दे पाऊं। तब वो दर्द हमारे नेता अखिलेश यादव जी को हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे सहन समाज के लोगों को, चाहे हमारी बेटियां हो, मैं सबको लैपटॉप देकर के सम्मानित करने का काम करूंगा। जब वो लैपटॉप उन बच्चों को, गरीब के बच्चों को कंधे पे वो लैपटॉप लगा, तो लगा कि उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य चीज उन्होंने दे दिया। इससे लगा कि हमारा नेता आज जो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आइकॉन के रूप में उन्होंने दिखाया कि आज शिक्षा के माध्यम से हमारे देश में जो बाबा साहब ने भी कहा था, संविधान ने कहा था कि जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो शेरनी का दूध शिक्षा है, इसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो उसको हमारा नेता ने उसे चरित्रार्थ करने का काम किया। तब हमारे नेता ने जब काम किया, हमें लगा हमारे नेता ने सिक्योरिटी, अभी आप पुलिस विभाग के बारे में देखा होगा, सिक्योरिटी में जब हमारा जब पुलिस विभाग इतना कमजोर होता था, हमारे गरीब भाई को कोई मारता या पीटता था तो थाने पे नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारा नेता ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया कि आप 100 नंबर दबाओ, आपके घर पहुंचेगी पुलिस और जा करके आपका सहयोग करने का काम करेगी। और वही रहा हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम इलाके के लोग आज जब चिकित्सा से वंचित होते थे, कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, तब हमारा नेता वहां ने उन्होंने एम्बुलेंस जारी किया और ये भी कहा कि हम कहीं भी, हमारे गरीब भाई, हमारे समाज में पूरे समाज के लोग कहीं भी अगर वंचित रहेंगे चिकित्सा से, तो हम उसकी भी व्यवस्था करने का काम उन्होंने किया था। और मैं ये भी कहना चाहता कि जब हमारा नेता 2012 से शुरू किया कहानी, पूरे देश में तहलका मच गया, तब कुछ ऐसी ताकतें थी, उन लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव ऐसा शानदार काम किया, ऐसे शानदार काम में आज हम लोगों ने राजनीति की हत्या हमारी हो जाएगी, ऐसे में उन लोगों ने सारे जितने भी कॉर्पोरेट के लोग थे, सारे व्यापारी, पूरे देश के लोगों ने जब तय किया कि अब हम माननीय अखिलेश जी का हम लोग सामना नहीं कर सकते उनके कामों के उपलक्ष्य में, तब उन्होंने तैयारी किया कि अब हमारी ये जनता आने वाले समय में हमें पूछने वाली नहीं है, तब उन्होंने झूठ का पुलिंदा तैयार किया और मोदी जी को नेता बना करके इस देश में देने का काम किया। तो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, जब उन्होंने पूरे देश को झुंझुना पकड़ाने का काम किया, तो जनता ने समझा कि अखिलेश जी ने इतना कहा था वो करके दिखाया, अब इन्होंने भी कहा है, हो सकता है करके दिखाएंगे, लेकिन जनता वहीं पे ठगी रह गई, वोट तो दे करके उन्हें चुनाव जिताने का काम किया। जनता के जब काम की बात आई, तब उन्होंने 5 साल काम किया, कहीं भी बेरोजगारी बढ़ती गई पूरे देश में, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं जाता, और तो और लोगों ने जब क्वेश्चन किया, जब 5 साल आया, तब इन्होंने कहा कि अब तो ये नैया डूबने वाली है,
तब उन्होंने पुलवामा जैसे कांड को करा करके देश को गुमराह करने का काम किया। इस नाते मैं आपको बताने आया हूं कि जब देश में अगर कोई काम करता है उस पर अगर आपको विश्वास होता है तो ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब अब उन्होंने जब जनता ने प्रश्न किया कि आपको हमारा रोजगार नहीं मिला, हमें 2 करोड़ रुपया नहीं मिला, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 15 लाख रुपया नहीं मिला, अभी सरकार को हटा देंगे, तो अभी मैंने कहा कि पुलवामा जैसा कांड करा करके इन लोगों को देश को गुमराह करने का काम किया। और तो और इस साजिश के तहत हमारी जनता भूल गई कि इन्होंने जो वादा किया वो काम नहीं किया। तो लोगों ने जब ये देशभक्ति में आ गए, इस देशभक्ति के तहत जनता ने कहा अब तो देश का सवाल है, इस देश के सवाल के आधार पे उन्हें उस समय चुनाव जीतवा के 2019 में गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन जनता, हमारे देश की जनता, एक ठीक कहा था एक हमारे समाज शास्त्री ने, था कहा था कि भारत भुलक्कड़ों का देश है, भारत भुलक्कड़ों का देश है। आज जो भी आप उसके लिए मेहनत करते हो जनता आने वाले समय में भूल जाती है। इस नाते मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो 2019 के बाद चुनाव जीते लोगों ने दे दिया और अब 2024 आ गया। इस 2024 में आपने देखा कोई काम कहीं दिखाई नहीं दिया। इसी जिले का सांसद, इसी लोकसभा का सांसद आपने देखा होगा, कहीं चेहरा कोई हमारी माताएं बहने नहीं देखी और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हमारे गरीबी जो गरीब के लोग थे आज 5 किलो अनाज पे उन्होंने दे दिया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे नहीं बात किया। या जिस तरह से शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, महंगाई दी जा रही है, और तो और किताबों को महंगा किया जा रहा है, और तो और हमारे फीस के माध्यम से आज फीस बढ़ा दी जा रही है, इससे कि कोई गरीब का बेटा शिक्षा न ले सके। ऐसे स्थिति में आपने ऐसा प्रश्न किया कि हमें शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और बाबा साहब के बनाए हुए आरक्षण को भी हमें चाहिए। आज इस नाते आरक्षण की बात करते हैं। ये गौर साहब है, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया गौर समाज के लिए और हमारे राष्ट्रीय अभी आने वाले थे, किसी कारणवश आज वो आ नहीं पाएंगे। सच्चाई ये है कि बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन आज आपके बीच में हम लोग अपनी बात उनके माध्यम से करना चाहते हैं। गौर समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग जो अति पिछड़े समाज में हैं, उन लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन आज वही मैं कहना चाहता हूं, जब 2024 आता है तो आज हमारे प्रभु राम उनको याद आ गए, जबकि हमारे प्रभु राम हम सबके हैं, जो घट घट में हैं। अभी कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान, भगवान तो आज नहीं, कई हजार वर्षों से भगवान प्रभु राम है, लेकिन उनको भी लाने वाले आ गए हैं। ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूं, अभी जब आपने देखा कि हमारी नैया डूब रही है, तो आपने बिहार में भी देखा है अभी राम को लाए हैं, लेकिन पलटू राम को भी ला करके खड़ा कर लिए जब देखे हमारी नैया डूबने वाली है। तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 में इन्होंने भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज भगवान राम ये मंदिर, ये मस्जिद हमारी इबादत की चीज है, ये मंदिर और मस्जिद हमारी प्रार्थना की चीज है, लेकिन आज राजनीति में ला करके इन लोगों ने हमें आपको गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन आज जनता को हमें जगाने की जरूरत है। जब आप 2024 में राम के नाम पे चुनाव लड़ने आए हैं, जनता को जो वादा किया था ये वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। आज बेरोजगारी के सवाल पे जब हमारी सभी प्रतिष्ठान इन्होंने बेच दिया, चाहे रेल हो, चाहे आपका और इंडियन ऑयल हो, चाहे आपका जो आपका डीजल पेट्रोल जो कंपनियां सरकारी हुआ करती थी, सब बेचने का काम किया है। और उसी के सवाल पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपने देखा है हवाई अड्डों से लेकर के बिजली विभाग भी इन्होंने बेच दिया। आज नौजवान पढ़ता है, लेकिन उस नौजवान को उनके माता पिता को ये लगता है कि हमारा बेटा पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनेगा। लेकिन जब इन्होंने संविधान में, आज इन्होंने संविदा पे आज भर्ती लेना शुरू कर दिया।
जो बाप अपना खेती बेच करके मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया कि ये बेटा हमारा आगे बढ़ेगा, अधिकारी बनेगा, नौकरी करेगा, हमारी घर की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। लेकिन इन्होंने नौकरी को आज प्राइवेट में कर दिया है। आज प्राइवेट में 15,000, 12,000, 10,000 की नौकरी, आज पढ़ाने के बाद अगर कोई नौजवान अगर नौकरी करेगा उसे भी ये लगेगा कि आने वाले समय में हमने बड़ी गलती किया। अगर शुरू से भी हम अपनी खेती बाड़ी और व्यवसाय शुरू करते तब भी इससे मेरा बेहतर रहता। आज तमाम नौजवानों की शादी भी रुक रही है, ये लगा कि नौजवान नौकरी पाएगा तो अच्छे परिवार में शादी होगी, लेकिन वह भी लोगों के मन में इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, वो भी बेचारे परेशान हैं। ऐसे में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है कि आज समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से जो पिछड़ा दलित पीडीए के मतलब कि पिछड़ा दलित अकलियत और अगड़ों में जो पीड़ित लोग हैं, मैं उनको सबको साथ लेकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज वही हालत है कि देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना करने के बाद जो इनके साथ ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के इनके पास सारी व्यवस्था जो विपक्षियों के ऊपर इन लोगों ने आज उनको परेशान करके चाहते हैं कि हम इन्हें किसी भी कीमत पे दबाव बना करके उन्हें सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ये जनता जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर जब इतने मजबूत थे तो फिर क्यों जाकर के बिहार जैसे देश में जहां पे जनगणना के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया और जब वहां की जनता जागरूक हो गई तो दुर्भाग्य है कि एक हमारा साथी भी अपने डर के माध्यम से ईडी के उन्होंने पाला बदल दिया। ऐसा नहीं था कि वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने जांच बैठा दिया। उन्हें लगा कि इस बुढ़ाई में हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और चक्की पीसते पीसते हमारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। उन्होंने जाकर के घुटना टेक दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ तेजस्वी और लालू प्रसाद जी ने अपने उस बुढ़ाई में, उन्होंने उस ज्यादा उम्र होने के बाद भी, उन्होंने जेल में जाने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। और माननीय अखिलेश यादव जी भी इसी तरह से यहाँ पर कोई रहे या चला जाए, लेकिन हमारी जनता पिछड़े दलित अकलियत और हमारी यहाँ की जनता अगड़े सभी लोग आज उनके साथ हैं। इसके बदौलत तो अपना सीना तान करके आज भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए 2024 में तैयार है। हम आप हमेशा चल करके गाँव में लोगों को बात जा करके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।